होए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब देखें, मस्जिद के सामने जगह जो है वो कितना नीट एंड क्लीन हो चुकी है। यहाँ पे देखें, मस्जिद का जो फ्रंट वाला एरिया, यहाँ पे पहले कितना ज़्यादा जो है यहाँ पे घास था, जो सांप वगैरह बिच्छू बच्चे यहाँ पे होते थे, डर लगता था। तो खैर अभी वैसे तो फिर भी शादी का माहौल है, सफाई सुथराई करना बनता था। तो खैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो है वो मंगल का दिन है, तो ऐसा कह सकते हैं कि आज का दिन ही हमारे पास, हमने जितनी भी तैयारियाँ करनी है हमें कर लेनी चाहिए और करनी भी हैं। तो कल बुध है, तो कल इंशाल्लाह निकाह होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी आप लोगों ने दुआ में लाजमी याद रखना है। बाकी आप ये चीज़ चेक करें कि माशाल्लाह मस्जिद के सामने जो एरिया है ये सारा कितना क्लीन हो चुका है माशाल्लाह। यहाँ पे पहले कमाल की फसल ऊपर गिरी हुई थी, यहाँ पे बड़ा बड़ा घास था, तो काफ़ी टेंशन होती थी, गाड़ियाँ खड़ाने की जगह नहीं थी। अभी तो वैसे भी कल जो है वो काफ़ी सारे गेस्ट आने हैं, काफ़ी सारी गाड़ी आनी है, तो फिर यहाँ पे मैंने सोचा जगह बना लेते हैं, जगह वीआईपी होनी चाहिए। आने वाला बंदा ये ना कहेगी यार ये किस तरह का घर है जहाँ पे गाड़ी खड़ाने की कोई जगह नहीं है, इतना बड़ा बड़ा घास है, कोई माहौल कोई लोकेशन नहीं है। देखें जी, अगर इधर से मैं दिखाऊँ तो ये देखें, बताएं हो चुका है ना क्लीन वीआईपी। इधर 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 बंदे भी बैठ सकते हैं, गाड़ियाँ भी खड़ सकती हैं। तो खैर आज जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल बना हुआ है। सेकंड, इसके अलावा ये देखें, ये हमारे घर का गेट है, तो इस साइड पे भी ये सलाख है पूरी, चाचू जान के घर, दादी के घर, तो ये देखें इस तरह का घास है वहाँ पर भी। अभी यहाँ पे हमारी सड़क यहाँ तक है, लेकिन घास आया हुआ पता भी नहीं चलता यहाँ पे सड़क है या क्या है। तो अब इसकी भी थोड़ा सफाई करनी है, ताकि ये देखें इधर भी। आपको पता है कि जब निकाह का मौका हो या शादी का मौका भी हो, तो क्या होता है कि दूल्हा वाले दुल्हन को जो है वो शॉपिंग करवाते हैं और दुल्हन वाले दूल्हा को शॉपिंग करवाते हैं, ठीक है। तो भाई उनकी तो होगी थी, लेकिन हमने भी जो है वो कि अभी वो जो सामान है वो सूट वो क्या क्या है, पहले तो ये बताता हूँ आपको, दिखाता भी हूँ इनफैक्ट। तो हम दूल्हा साहब को क्या देने के लिए जा रहे हैं? हाँ जी भाई, अलहमदुल्ला जो हमने दूल्हा साहब को शॉपिंग देनी है वो मेरे सामने है, ये सारी शॉपिंग जो हमने की है उनके लिए अलहमदुल्ला। तो बारी बारी दिखाता हूँ, सबसे पहले तो हम उनके लिए ये मिठाई एंड ये कोल्ड ड्रिंक्स, सबसे पहले तो हम ये उनके लेके जा रहे हैं। बाकी इसके अलावा जो उनके लिए शॉपिंग है वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसमें देखते हैं जी, इसमें क्या चीज़ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चीज़ दूल्हा भाई के लिए वाइट वाइट कॉटन का ड्रेस माशाल्लाह। सेकंड इज दिस वन, ये चेक करें, ये वॉशिंग वियर का है जी, ये कलर भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है, तो मतलब ये दो सूट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है जी, ये चीज़ सेट करें, गैस करें क्या हो सकता है इसमें। वन टू थ्री एंड गो, ओहो वन टू थ्री एंड गो, ओहो माशाल्लाह जी बहुत ही प्यारी एंड नफीस वॉच दोनों भाई के लिए। ये रहा जी उनके लिए परफ्यूम, ठीक है। एंड इसके अलावा आगे उनके लिए दो ब्रांड हैं, एंड इसके अलावा बस जैसे जी। हाँ जी मोहम्मद ठीक हो आप? ये सामान प्यारा है कि नहीं बताओ पहले, उनको बैग में कर दो, उनको बैग में कर दो। हाँ जी भाई, ये सारा सामान है दूल्हा भाई के लिए, और दूल्हा भाई भी अभी हमने आपको नहीं बताया कि दूल्हा भाई हमारे कौन से हैं, ठीक है। या कोई यूट्यूबर हैं, कोई बाहर के हैं, कोई रिश्तेदार हैं, कोई कज़न हैं, कौन है, तो ये आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको बता देंगे। अब जिसको हम देने जा रहे हैं, मतलब कि ये जो सामान, ये शॉपिंग हम जिसको देने जा रहे हैं, तो वहाँ पर चल के आपके दूल्हा भाई से मुलाकात करवाते हैं। हाँ जी भाई, फाइनली कोई 10-15 मिनट का सफ़र करने के बाद हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। और आप लोगों को, आप ज़रा गेस करें कौन हो सकता है वो, ठीक है। लोकेशन जगह दिखा देता हूँ आपको, ये देखें जी, मतलब ये इस तरह का उनका कुछ बाहर का माहौल है। ये इनका फ्रंट गेट है बड़ा, ये उनके कोई चाचू का गेट है, और ये इस तरह करके ये इनका घर है। तो गेस करें कौन हो सकता है, बाकी अंदर चलते हैं, उनका घर भी देखते हैं घर किस तरह का है, और उनसे भी आपको मिलवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जी ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बड़ा प्यारा घर। अभी इसका कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो फाइनल हुआ है, कज़ल लोगों की गाड़ी यहीं पे आई हुई है, वो मेरी गाड़ी, चार पहिया इकट्ठी कर ली है फंक्शन के लिए माशाल्लाह। और ये रहे जी चाचू जान, ये रहे समद भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? तबीयत से ठीक है, अलहमदुल्ला ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम चाचू जी, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? आज भाई क्या हाल है? खुश हैं माशाल्लाह। और समद भाई क्या हाल है? ठीक है खैरियत से? तबीयत से ठीक है, चले माशाल्लाह। अच्छा जी, पता नहीं आप लोगों ने गेस किया होगा कि नहीं पहले, लेकिन अभी जो है वो ये रहे हमारा दूल्हा साहब माशाल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे हमेशा। तो ये रहा जी इनका घर माशाल्लाह,
मेरी तरह ही इनके पहले दो कमरे थे, फिर तीसरा कमरा बनवाया, फिर उसके सामने बरामदा डाला, उसके फिर डिजाइनिंग फ्रंट ये वो, तो जैसे मैंने काम किया था सेम समद भाई ने काम किया। ये सामान वगैरह लग रहा है, स्टेज बांधी है और यहाँ पे मिरर वगैरह लेके आए जो कि साइड पे खड़ेंगे और बच्चे वगैरह देख रहे हैं। यहाँ पे सारे कजन लोग आए हुए हैं कल से। हाँ क्या कह रही हैं? माशाल्लाह से जी वी आई पी किस्म की फाइनल लुक, माशाल्लाह जबरदस्त।